हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट करेंगे, जिसका उपविषय है भारत के पठारी भाग। तो आइए करते हैं वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, भारत के किन्हीं 3 पठारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम 3 पठारों के नाम लिख सकते हैं। एक पहला मालवा का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न 2 करते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है और प्रत्येक प्रश्न के 3 विकल्प दिए हुए हैं, तो हमें सही विकल्प को चुनना है, हम उस पर सही का निशान लगा सकते हैं। प्रश्न 2 का पहला है, कौन सा पठार उत्तरी दिशा में है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार या सी अरावली का पठार। तो सही उत्तर है सी अरावली के पठार। दूसरा, मध्य भारत में कौन सा पठार है। तो इसका सही उत्तर है सी मालवा का पठार। तीसरा, दक्कन का पठार कौन सी दिशा में है। इसका सही उत्तर है सी दक्षिण दिशा में। चौथा, भोपाल शहर कौन से पठार पर बसा है। इसका सही उत्तर है बी मालवा के पठार। पांचवा, अरावली से नीलगिरी तक कौन सी नदियां बहती हैं। इसका सही आंसर है बी नर्मदा ताप्ती। छठा, विदिशा शहर कौन से पठार पर है। तो इसका सही आंसर है बी विंध्याचल के पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरिए। कोष्टक में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से सही शब्द का चुनाव करके रिक्त स्थान में भरना है। पहला, पठार पर डैश से चढ़ा जा सकता है, तो यहाँ पर आएगा आसानी, पठार पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। दूसरा, पठारी जीवन डैश होती है, तो यहाँ पर आएगा कठोर, पठारी जीवन कठोर होता है। तीसरा, मध्य प्रदेश में डैश का पठार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मालवा, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है। चौथा, कगार की डैश मिट्टी होती है, तो यहाँ पर आएगा काली चिकनी, कगार की काली चिकनी मिट्टी होती है। पांचवा, पहाड़ों के बीच जंगल में डैश लोग रहते हैं, तो यहाँ पर आएगा आदिवासी, पहाड़ों के बीच जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, कगार से नीचे बहती नदियों पर बांध बनाने से क्या लाभ है। बच्चों, कगार से नीचे बहती नदियों पर बांध बनाने से 2 लाभ होते हैं। पहला, लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, और दूसरा, नदी के साथ कंकड़ पत्थर बालू कण खेत तक नहीं पहुंच पाते, इससे खेत खराब होने से बच जाते हैं। 5वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों के विपरीत पठारी क्षेत्रों में बहुत कम कुएं हैं, और पठारों में रहने वाले लोग ज़्यादातर अपनी पानी की ज़रूरतों के लिए तालाबों पर निर्भर हैं, ऐसा क्यों। तो हम लिख सकते हैं, पठारी भागों में कठोर चट्टानें होती हैं, अतः पानी बहुत गहराई में मिलता है, इसलिए यहाँ लोग कुएं कम बनवाते हैं और पानी की ज़रूरतों के लिए तालाबों पर निर्भर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, हम कई चीज़ों के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, कई जनजातियाँ जंगलों में अपने घर बनाकर रहती हैं। ज़रा सोचें कि जब जंगलों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, तब उनका जीवन कैसे प्रभावित होता होगा। अपने विचारों को कुछ वाक्यों में साझा करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी समझ के अनुसार उत्तर लिखना है। यहाँ पर मैं जैसा समझता हूँ उससे उनके ऊपर इस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है। जंगलों में आदिवासी रहते हैं, ये जंगलों से तेंदुपत्ता शहद इकट्ठा करके बाज़ारों में बेचते हैं, जिनसे इनका जीवन यापन होता है। परंतु जंगलों को काटने से उन्हें अपना जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई होती है।
आपकी यह वर्कशीट यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अन्य विषयों पर वर्कशीट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।